दिस प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय PCCA एकेडमी 101% फैमिली इंस्टीट्यूशन। अब मम्मी और बेटी एक ही क्लास में। मानवता को लेकर एक सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में सतयुग दर्शन ट्रस्ट वसुंधरा से टीम के सदस्यों ने एकेडमी में पहुंचकर बच्चों को अपने शब्दों द्वारा मानवता का पाठ पढ़ाया। इस मौके पर मौजूद शिल्पा प्रूति ने कहा कि आज एक इंसान दूसरे इंसान की मदद करे, यही मानवता है। मौके पर PCCA एकेडमी के निर्देशक राजीव प्रूति, साक्षी, रिया, गरिमा, शिवांगी, रेखा, विकास, आशीष आदि मौजूद रहे। हमारे जो मेंटर श्री सजन जी हैं उनके द्वारा वो स्टार्ट किया गया है, जो बेसिकली ह्यूमन वैल्यूज पर है। ह्यूमन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए बेसिकली किसी रिलेशन को लेकर नहीं बनाया गया। इसका जो मेन मोटिव था कि जो आज की यूथ है उसको एक स्पिरिचुअल सफरिंग से उसको उस जगह लेके आना, कि स्पिरिचुअलिटी, मेंटली सफरिंग इन सबको ध्यान में रखते हुए बनाया गया। तो बेसिकली MCQ बेस्ड पेपर है, जो बेसिकली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेगा, ह्यूमन वैल्यूज को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। एक एजुकेशन डिलीवरी मॉडल सिस्टम में जो हम देखते जा रहे हैं कि हाँ, आज के टाइम में हाँ साइंस ओलंपियाड जो है, मैथ ओलंपियाड जो है, पर कोई ह्यूमैनिटी की तरफ नहीं जा रहा, जो मेन इंसानियत जो हमारी नीड है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ह्यूमैनिटी डेवलपमेंट क्लब, जिसके द्वारा ह्यूमैनिटी ओलंपियाड एक ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जो पहले हमारा एग्जाम स्कूल्स में होता था, अब ये डिजिटली कर दिया गया है। माय नेम इज सगुर, नेम इज साक्षी, एंड आई एम वर्किंग एज अ वॉलंटियर फ्रॉम सतयुग दर्शन ट्रस्ट। सर, आजकल जैसे MNCs कंपनीज आ रही है इंडिया में, तो वहाँ उनमें एंटर करने के लिए इंग्लिश जानना बहुत जरूरी है। हमारा देश तो भारत है ना, तो संस्कृति भूलता जा रहा है इंसान आज, और इंग्लिश की तरफ जा रहा है, ऐसे तो सर भारतीय संस्कृति खत्म हो जाएगी। सर नहीं, वो भी एक साइड बाय साइड लोग रखते हैं अपने अंदर, और इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हमें आगे बढ़ना है तो इंग्लिश का आना बहुत ज़रूरी है। आज पति पत्नी के आपसी अनबन का कारण क्या है? अविश्वास, वो एक दूसरे पर विश्वास नहीं करते, कि उनकी जो लड़ाई है, जो क्वारल है, उसका मेन रीज़न है। एंड अगर आप बिलीव करते हैं कि आपका हस्बैंड या वाइफ, इफ शी और ही इज गोइंग आउटसाइड, सो देयर इज नथिंग टू वरी, जस्ट फेथ ऑन देम, सो देयर इज नो प्रॉब्लम। शिल्पा मैम, आज के दौर में ये जो रिश्ते हैं क्यों टूटते जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा हमें बताइए। देखिए, मेरा मानना यही है आज के दौर में जो रिश्ते टूटते जा रहे हैं, आपस में ईर्ष्या की भावना इस कदर भर चुकी है कि एक भाई दूसरे भाई को देख के खुश नहीं है, और घरों में भी कलह का कारण और कलेश का कारण यही है कि अगर एक बहू घर से बाहर जा रही है काम करने के लिए तो दूसरी घर में क्यों है। तो मेरा मानना यह है कि बिल्कुल गलत बात है। रिश्ते जो पहले के टाइम में हम रिलेशंस को वैल्यू देते थे, आज के टाइम में वैल्यू नहीं देते। पहले के टाइम में बुआ अगर रहने आती थी, एक एक महीने के लिए रहने आती थी, अगर हम लोग भी अपनी नानी के घर जाते थे तो एक एक महीने के लिए रहने जाते थे, लेकिन आज के टाइम में हर इंसान पैसे के पीछे भागता जा रहा है। फ्रेंड्स के लिए टाइम है, किसी पार्टी के लिए टाइम है, होटल्स में जाने के लिए टाइम है, लेकिन अगर हम बात करें अपनी फैमिली को टाइम देने के लिए, तो वो बिल्कुल भी हमारे पास टाइम नहीं है। उस चीज़ के लिए हम बहुत ज़्यादा बिजी हैं। अगर हमारा फैमिली का पर्सन ही हमें कोई कहे कि मैं तेरे घर पे आ रहा हूँ, तो हम डायरेक्ट उसे बोल देते हैं कि मैं बहुत बिजी हूँ, मेरे शेड्यूल बहुत हेक्टिक है, मेरे पास अब बिल्कुल भी टाइम नहीं है, आप कल आइएगा या परसों आइएगा। यही चीज़ बढ़ती जा रही है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं जालस की रेशो बहुत बढ़ती जा रही है। मुझे समझ नहीं आता इतनी जालस क्यों, आपस का प्यार कहाँ चला गया, आपस का प्यार क्यों खत्म हो रहा है? दो भाई आपस में भाई भाई नहीं रहे, दो बहनें आपस में बहनें नहीं रही, क्यों ये रिश्ता ऐसे ख़त्म हो रहा है, क्यों ये रिश्ता ऐसे टूट रहा है? ये बहुत ही गलत बात है। फ्रेंड्स, अगर हमें कहें कि आज किसी पार्टी में जाना है या आज मैं तेरे घर आ रही हूँ, तो हम अपना सारा काम छोड़कर बहुत जल्दी तैयार हो जाते हैं कि ठीक है, मोस्ट वेलकम, एनी टाइम तू मेरे घर पे आ सकती है या मेरे घर पे आ सकता है, और हाँ, मैं तेरे साथ कहीं भी जाने के लिए रेडी हूँ, मैं अपने काम को छोड़ दूंगा। लेकिन अगर वही ब्रदर कोई कॉल करे या सिस्टर कोई कॉल करे, तो हमारे पास टाइम ही नहीं होता। हम ऑलवेज रेडी होते हैं एक्सक्यूज़ बनाने के लिए, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बहाने होते हैं जो कि हम अपने बहाने तैयार रखते हैं सिर्फ ये बोलने के लिए कि आज मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये बहुत ही गलत बात है। और इन चीज़ों को देखते हुए मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि शायद हर इंसान आजकल सेल्फिश हो गया है। पैसे की होड़ ने इस कदर इंसान को ऐसा कर दिया है, मजबूर कर दिया है,
क्योंकि पैसे के बिना आज के टाइम में कुछ भी नहीं है, लेकिन मैं इतना ही कहना चाहूँगी पैसा ही सब कुछ नहीं है, हमारे रिश्ते भी हमारे लाइफ में बहुत मैटर करते हैं। अकेले आप करेंगे क्या अकेले बैठकर? अगर आपके साथ रिश्ते हैं, आपके परिवार वाले हैं, तो ही उस पैसे का या जो एंजॉय आप बाहर ढूंढना चाहते हैं, अगर वो एंजॉय आप अपने घर पे ही देख लें, अपने ब्रदर सिस्टर के साथ ही देख लें, तो मेरा मानना ये है कि आप ज़्यादा खुश होंगे एज कम्पेयर कि वो खुशी आप बाहर दूसरों में देखना चाहते हैं। तो थोड़ी सी खुशी अपने घर में अपने परिवार वालों के साथ देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू। जो ये मेंबर आए और इन्होंने बच्चों को मानवता का ज्ञान दिया। देखिए PCCA अकेडमी में सभी बच्चे यहाँ इंग्लिश सीखते हैं, इसके साथ साथ इतने अच्छा इनको ज्ञान दिया जाता है। ये जो ट्रस्ट है, इनका ट्रस्ट का अपना स्कूल भी है, कॉलेज भी है, पर इन्होंने आज ये साबित कर दिया कि बच्चों को सिखाकर कि ना हिंदू ना मुसलमान ना सिख ना ईसाई, सबसे पहले इंसान बनिए, मानवता का ध्यान दीजिए, क्योंकि मानव से बढ़कर कुछ भी नहीं है। यदि इतना अच्छा ज्ञान इन्होंने डिलीवर किया है, मैं इस पानीपत के सभी युवाओं को सबको संदेश देना चाहूँगा कि इस ट्रस्ट का जो भी आपका ट्रस्ट है, इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इनसे आप नॉलेज लीजिए। PCCA अकेडमी में ये कार्यक्रम चलते रहते हैं, सभी संस्थाओं को यहाँ पर आमंत्रित करने का न्योता दिया जाता है, सभी संस्थाएं आती हैं और बच्चों को ज्ञान दिया जाता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वाकई में बहुत कॉन्फिडेंस फील करते हैं कि इंग्लिश स्पीकिंग के साथ साथ ऐसा अच्छा ज्ञान यहाँ पे इनको मिलता है। राजीव गुरु जी, PCCA अकेडमी।